नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर यमुना विकास प्राधिकरण की न्यूज अपडेट। गौतम बुद्ध नगर जिले के साथ साथ अब निकटवर्ती अलीगढ़ और मथुरा जिले के किसान भी यमुना विकास प्राधिकरण से मालामाल होंगे। यमुना विकास प्राधिकरण इन जिलों में लैंड बैंक बनाएगा। जल्दी ही इन जिलों में आवासीय सेक्टर और इंडस्ट्रियल हब विकसित किए जाएंगे। क्या है यमुना विकास प्राधिकरण की पूरी योजना, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण अब गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ मथुरा और अलीगढ़ में जमीन खरीदेगा। यमुना विकास प्राधिकरण अलीगढ़ के टप्पल और मथुरा के राया में लैंड बैंक बनाएगा। 4,950 एकड़ भूमि का लैंड बैंक बनाया जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर लैंड बैंक बनाने की कवायद शुरू कर दी है। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी गांव में किसानों से संपर्क कर रहे हैं। अलीगढ़ के टप्पल और मथुरा के राया में किसानों से सहमति के आधार पर जमीन ली जाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण की योजना के अनुसार टप्पल और राया में अर्बन सेंटर विकसित किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल हब तैयार होगा और आवासीय सेक्टर भी बसाए जाएंगे, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। यमुना विकास प्राधिकरण ने टप्पल और राया में इंडस्ट्रियल हब और आवासीय सेक्टर बसाने की कवायद शुरू कर दी है। प्लान तैयार किया जा रहा है। आसपास के इलाकों में यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी किसानों से संपर्क साधने में जुटे हैं। जमीन किसानों से उनकी सहमति के आधार पर ली जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे टप्पल और राया के किस इलाके में किस गाँव की जमीन पर लैंड बैंक बनाया जाएगा, अभी हालांकि यह तय नहीं है, क्योंकि किसानों से सहमति के आधार पर ही लैंड बैंक स्थापित होगा और जमीन ली जा सकेगी। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी इन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं कि कहां यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे आसानी से लैंड बैंक बने। अभी तक यमुना विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर जिले में ही इंडस्ट्रियल हब और अन्य विकास योजनाओं के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब आसपास के जनपदों में भी इंडस्ट्रियल हब और आवासीय सेक्टर बनाए जाने से क्षेत्र प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह के अनुसार जल्दी ही इस योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी की जा रही है, प्लान तैयार किया जा रहा है। यमुना विकास प्राधिकरण की यह न्यूज अपडेट आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी और यमुना विकास प्राधिकरण की न्यूज अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ।